नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। इन दिनों देश में तांडव चल रहा है, घबराइए नहीं। यहां बात हो रही है जफर अली अब्बास निर्देशित वहीं सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव की। रिलीज के बाद से ही ये विवादित हो गई है। कई संगठन और बीजेपी नेता इसे बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर मुंबई में वेब सीरीज तांडव मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर की टीम मुंबई तांडव वेब सीरीज के खिलाफ मामले की जांच के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस तांडव के शोकास्ट और क्रू से इस मामले में पूछताछ करेंगी। कई नेताओं ने इस शो को लेकर आक्रोश जताया और शो पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। साथ ही उन पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का भी आरोप लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि यूपी की टीम मुंबई में तांडव मामले की छानबीन करेगी। वहीं उन्होंने कहा, हमें तांडव को लेकर शिकायत मिली है, हम कानून के अनुसार एक्शन लेंगे। ये एक OTT प्लेटफॉर्म फिल्म है, इसके चलते केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बना रही है ताकि नियम का उल्लंघन ना हो सके। तांडव में सैफ अली खान, जीशान आयुब, डिंपल कपाडिया की अहम भूमिका है। इसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया। अली अब्बास जफर ने विवाद होने के बाद वेब सीरीज में बदलाव करने की बात कही है। दरअसल सीरीज के पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि एक्टर जीशान अयूब यूनिवर्सिटी के फंक्शन में भगवान शिव के वेश में दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच एक शख्स स्टेज पर नारद की भूमिका में आता है और कहता है, नारायण नारायण, प्रभु कुछ कीजिए। राम जी के फॉलोअर्स लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कुछ नई स्ट्रैटेजी बना ही लेनी चाहिए। इस पर शिव के रूप में नजर आ रहे जीशान अयूब कहते हैं, क्या करूं, मैं तस्वीर बदल लूं क्या। इस पर नारद की भूमिका वाला कलाकार कहता है कि भोलेनाथ, आप तो बहुत ही भोले हैं। इसी दौरान भगवान शिव के किरदार में खड़े एक्टर जीशान अयूब गाली देते हैं। यह विवादित क्लिप खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लोग जानबूझकर हिंदुओं और हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। इस पूरे मामले को JNU मामले से जोड़ा गया है। लोगों का कहना है इसमें हिंदुओं की भावनाएं तो आहत हो रही हैं, और इसी के साथ साथ ट्विटर पर बॉयकॉट तांडव भी ट्रेंड कर रहा है। हिंदू संगठन इससे खासा नाराज हैं। सोशल मीडिया पर लोग तांडव सीरीज को लेकर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। साथ ही तांडव मेकर से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। इसी के बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेज़न से सफाई मांगी है। मंत्रालय ने तांडव के कंटेंट को लेकर अमेज़न से सोमवार को जवाब देने को कहा। वेब सीरीज को लेकर आने वाली शिकायतों पर मंत्रालय बेहद गंभीर है। मंत्रालयों के सूत्रों की माने तो संतोषजनक जवाब न होने पर अमेज़न प्राइम और वेब सीरीज के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो सकती है। प्राइम न्यूज 24 के लिए श्वेता सिंह की रिपोर्ट।